हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो हर जगह पर बनाया जाता है। सभी जगह पर इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एमपी का पोहा बहुत ही फेमस है, वहाँ पर स्टीम करके पोहा बनाया जाता है। हम स्टीम करके तो नहीं बनाएंगे, पर यह पोहा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप पोहा लिया है। ये पोहा मोटा वाला है, इसे पानी डालकर 2 बार अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद इसे हम तुरंत चलनी में निकालेंगे, इससे इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा। तो अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट पोहे को हमने छोड़ दिया था, पोहा अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून जीरावन पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहे को धोने के बाद चलनी में रखने से इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और पोहा बिल्कुल सॉफ्ट और खिला खिला रहता है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मूंगफली के दाने और इसे फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली के दाने को हमने फ्राई कर लिया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून धनिया। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ट्रांसपेरेंट कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पोहा बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। इसीलिए अधिकतर घरों में सुबह नाश्ते में पोहा ही बनाया जाता है और ये हेल्दी भी होता है। हम इसे बहुत कम ऑयल में बनाते हैं। तो प्याज के फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। पोहे में लाल मिर्च नहीं डलती है, तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश मटर के दाने। मटर हमें फ्रेश ही लेना है। अब हम मटर को 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। तो 2 मिनट मटर को हमने ढककर पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप पोहे में पहले भी डाल सकते हैं, पर इस वक्त डालते समय पोहे में कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम पोहा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पोहे में ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ढक देंगे। बीच में हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पोहे को हमने लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लिया है और पोहा बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पोहा बिल्कुल खिला खिला बना है। अब हम इसमें फ्राई की हुई मूंगफली के दाने डालेंगे, बारीक वाली सेव डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा जीरावन पाउडर, लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। तो आप इस प्रकार से पोहे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।